विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने जयपुर को तंबाकू मुक्त शहर घोषित किया। कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जोगाराम ने उम्मीद जताई कि जयपुरवासी कोटप्पा अनुपालना की गतिशीलता बनाए रखेंगे और ये भी कहा कि जयपुर में अब सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थाओं और उनके आसपास तंबाकू का प्रयोग वर्जित होगा। हालांकि राज्य में अभी कोरोना महामारी के चलते ऐसे स्थानों पर पाबंदी है। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने कहा कि कोविड संक्रमण के समय तंबाकू के उपयोग पर पाबंदी और भी जरूरी हो जाती है। ऐसे में शहर को तंबाकू मुक्त घोषित करने पर जिला प्रशासन और वाग्धारा की टीम की यह बड़ी उपलब्धि है। तंबाकू निषेध दिवस पर जयपुर शहर को जिला कलेक्टर महोदय और श्री रवि जैन साहब की उपस्थिति में तंबाकू मुक्त शहर घोषित किया गया है। गत वर्ष जयपुर शहर को तंबाकू मुक्त शहर घोषित करने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर साहब के निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों के अंदर कोटप्पा की पालना सुनिश्चित करवाई गई और उसके बाद सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र अधिकार में सेल्फ डिक्लेरेशन भी प्रस्तुत किए गए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जयपुर जिले को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। विभिन्न संस्थाओं से और विभिन्न सरकारी संस्थानों ने और एनजीओ ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है पिछले दिनों में। विशेष रूप से वाग्धारा संस्थान के द्वारा काफी प्रभावी तरीके से इस चीज को किया गया है। आज इस अवसर पर विभिन्न पोस्टर और आईसी मटेरियल का भी लॉन्च किया गया है। आदरणीय श्री रवि जैन साहब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी यहाँ मौजूद थे और विभिन्न संस्थान और एनजीओ के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जयपुर की जनता इस मोमेंटम को बनाए रखेगी और जयपुर को स्वस्थ और